और मिराज बर्थडे। ट्रैवल रिपोर्टर, सब्सक्राइब टू ट्रैवल रिपोर्ट। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मेरा नाम है संदीप राठौर और आप देख रहे हैं ट्रैवल रिपोर्टर। इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज का ये 34th एपिसोड है और मैं हूँ कोहिमा में, नागालैंड में। कोहिमा नागालैंड का कैपिटल है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जुको वैली। तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे हूँ मैं, आप पीछे देख सकते हो। आज संडे है, 22nd जनवरी 2023, और संडे के दिन एक्चुअली यहाँ पे वीकेंड रहता है तो कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते, लेकिन 50-60 रुपीज़ में शेयरिंग में आपको गाड़ी मिल जाएगी नियरेस्ट विलेज तक जहाँ पे हम लोग जाने वाले, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और अभी हमें शेयरिंग टैक्सी मिल रही है 500 रुपीज़ में। हम लोग तीन लोग हैं और मेरे साथ वापस जो माजुली में मुझे मिले थे मेरे फ्रेंड्स, वो वापस मुझे कोहिमा में मिल गए, सो फॉर्चुनेट। एंड अभी हम लोग जुको वैली साथ में जा रहे हैं। थैंक यू। सो चलते हैं, यहाँ से जो नियरेस्ट विलेज है उस वहाँ पे चलेंगे, उसके बारे में बताऊँगा और कौन से रूट है वहाँ पे जाने के वो बताऊँगा, सब कुछ होगा इस वीडियो में। सो बने रहिए दोस्तों। और हमें नियरेस्ट गांव तक छोड़ रहे एक हमारे भैया। भैया आपका नाम? अब्दुल भाई। सलाम अलैकुम। चलिए चलते हैं। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। ओके, थैंक यू भैया। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं विश्वेमा विलेज। जोखोमा और विश्वेमा विलेज, ये दो विलेज है जहां से आप जुको वैली की ट्रैकिंग चालू कर सकते हो, और एग्जिट भी दोनों में से आप किसी एक से एंटर कर सकते हो, किसी और से एग्जिट कर सकते हो। तो हम विश्वेमा रूट से जा रहे हैं, तो यहाँ पे पहुंच गए। एक घंटा लगा नीचे टाउन से और 500 रुपीज लगे, लेकिन 100 रुपीज हमने एक्स्ट्रा दे दिए। वीकडेज को आपको शेयरिंग में 50-60 रुपीज में आप पर पर्सन आ सकते हो। वीकेंड्स में यूजुअली गाड़ियां नहीं रहती तो आपको प्राइवेट हायर करके ही आना होगा। वहां पे पीछे विलेज का गेट है, लेकिन ट्रैक यहाँ से चालू हो रही है, रोड के अपोजिट से। आपको यहाँ पे दिखाई देगा वे टू जुको। यही पे पास में कुछ होम स्टे भी है, आई गेस ये होम स्टे है, 100% श्योर नहीं हूँ। यहाँ से अभी हमारी हाइकिंग चालू हो गई है। थोड़ी देर कुछ चल के आए, लाइक जस्ट 5 मिनट के लिए नीचे से मेन रोड से। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट तक आ गए, इको टूरिज्म मैनेजमेंट अथॉरिटी जुको वैली। अभी एंट्री पॉइंट से निकल गए हम लोग। वहाँ पे 120 रुपीज अलग से पे करने पड़े मुझे परमिट के लिए जुको वैली के, जिसमें 100 रुपीज का परमिट था और 20 रुपीज का सैनिटेशन परमिट था। टोटल 120 लगे। फॉरेन नेशंस के लिए 220 पर पर्सन है। और उस पॉइंट से अभी आगे के पॉइंट तक, जहाँ से कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एक है वैली के पहले, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप हाइकिंग कर सकते हो या फिर आप एक काम करना,
जो प्राइवेट हायर व्हीकल है आपका उसको इस एंट्री पॉइंट तक लेके आना, जूको वैली के रूट से ऊपर जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। यहाँ से आप उसको आप इस रूट से भी आगे और 7 किलोमीटर लेके जा सकते हो यहाँ से, लेकिन आपको उससे ये सब चीज़ें पहले ही एग्री करके लेनी पड़ेगी कोई मामले। सो चलिए चल रहे हैं, चलते चलते अभी 7 किलोमीटर हम लोग पूरा कर लेंगे 2-2.5 घंटे में। बज रहे सुबह के 10:20। अभी कुछ लाइक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वॉक किया हमने। यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट है पीछे, वहाँ पे बैठ के कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पे इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज चल रही है और आई एम ट्रैवलिंग अराउंड नॉर्थ ईस्ट, फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लीजिए, वहाँ पे लोंगवा ट्राइब में मैं गया था, फिर उसके पीछे मैं माजुली आइलैंड में था, गुवाहाटी में था, सिक्किम में था। रियली वंडरफुल, मैं लोकली ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग टिप्स भी दे रहा हूँ। सो स्टे कनेक्टेड दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट भी कीजिए। थोड़ा आपको व्यूज बता देता हूँ, ये देखिए वेरी ब्यूटीफुल नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इनक्रेडिबल। साढ़े 12 बज गए, अभी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो चुके हैं हाइकिंग करते हुए, और यहाँ पे एक शॉर्टकट मिल गया हमको, ये वाला। कोई तो बाइक पे जा रहा था यहाँ से, उसने बोला ये वाला रूट लो एज ए शॉर्टकट। अभी हम लोग रुके, सोच रहे हैं शॉर्टकट ले या नहीं, बट मोस्टली डिसीजन यस है। सो जा रहे हैं हम लोग शॉर्टकट से। ट्वेल्व हो रहा है अभी, 2.5 घंटे की हाइकिंग हो चुकी है। 10 बजे चालू किया था नीचे एंट्री पॉइंट से, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। आई थिंक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तक कार से आप आ सकते हो। अगर आप पहले ही एग्री करते हो तो यहाँ तक कार से आ सकते हो आप नीचे से कोई माँ से। सभी हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं हाइक यहाँ से आगे। इसको यहाँ से आपको ये एक रूट मिलेगा, ये वाला, ये थोड़ा अंदर जंगल में से जाता है और व्यूज इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट है। नीचे आते हो किस रूट से आ सकते हैं, और जो मेन रूट जा रहा है वो ये वाला है। सो पीछे पीछे कुछ लोकल्स थे यहाँ पे, आप देख सकते हो, उनसे मैंने बात की और पता करा ये इन्फॉर्मेशन। सो मोस्टली प्रेफरेबल रूट यही है, ये वाला।
sound right, boy. अभी जो पीछे वाले पॉइंट से हम लोग निकले वहां तक इट्स डिफिकल्ट क्योंकि पूरा स्टेयर्स है, फिर यहां से पूरा ऐसा नॉर्मल स्ट्रेट रोड है, देख सकते हो। कैसे भैया? अच्छा है। ओके कितना ब्यूटीफुल व्यू है देखिए। हम लोग पहुंच गए हैं हमारे गेस्ट हाउस। सुपर वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग पहुंच चुके हैं। हेलो भैया। हाय हाय। Let's check who is here. Samne. एक भैया यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। भैया आपका नाम? त्रिशूल। ओह रियली नाइस। हेलो हाय। वेयर इज दिस गाइस फ्रॉम? गोस्ट इन द किचन। ओके ओके देयर इज समवन एल्स आई मेट। भैया आपका नाम? रोहित। ऑलराइट। पांच साढ़े पांच घंटा लगा, 5:30 हमको यहाँ तक आने के लिए, इस स्टे में आने के लिए। और बहुत ही मस्त जगह है, बहुत बहुत बड़ी स्पेस है। आई थिंक मोर देन 50 ट्रैवलर्स को वो लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। और प्लस बाहर कैंपिंग करने के लिए भी जगह है। अगर आप टेंट लेके आते हो तो आपकी टेंट सेटअप करके कैंपिंग कर सकते हो। और कुछ चार्जेस है जो उस स्टिकर पे लगे हुए हैं। जब आप यहाँ पे आओगे तो हट के सामने ही एंट्रेंस में वहाँ पे एक स्टिकर पे, वाइट स्टिकर पे सारे चार्जेस लिखे हुए, तो आपका रिजर्वेशन यहाँ पे आके कर सकते हो। और प्लस जो नीचे से एंट्री हमने की थी, हमें एक रिसिप्ट दी थी, वो रिसिप्ट सिर्फ आपको दिखानी है ताकि वो एक बार रजिस्टर में आपका नाम लिख दे। और दैट्स इट। और ब्यूटीफुल व्यूज का आप मजा ले सकते हैं। चेक इट आउट। ये देखिए बहुत ही लवली है। और फिर यहाँ से नीचे से कल सुबह हम लोग जाने वाले हैं वहां पे कहीं पे वाटर स्ट्रीम पे देखने के लिए, तो बने रहिए। ये कल सुबह तक भी वीडियो चलेगा और प्लस आज रात का भी हम लोग व्यूज देखेंगे। सो कीप वॉचिंग गाइस। तो अभी हमें हमारा डॉर्म रूम मिल गया है। ये है डॉर्म रूम। ये मेरा बेड है और ये दोनों का बेड है। जो कुछ स्पेशल बैम्बू का बेड वगैरह नहीं है, सीधा फ्लोर पे सोना है।
यस, एक मैट्रेस दे देते, आप जैसे ही वो पिंक कलर का रिसिप्ट जो एंट्री पे मिलता है वो दे देते हो, तो यहाँ पे आके आपको वो दिखाना है, नाम लिखेंगे आपका, फिर ऐसे एक फ्लोर मैट्रेसेस देंगे आपको और एक ब्लैंकेट दे देंगे। दैट्स इट। कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो अपना खुद का गैस लेके कुक कर रहे। ग्रेट। और ये आ गए हम लोग पास, ये है डॉर्म रूम। सो डॉर्म के लिए 100 रुपीज पर नाइट है। कॉटेज चाहिए विद अटैच्ड वॉशरूम तो 1500, ब्लैंकेट स्मॉल बिग पिलो 100 200, पिलो 50, फोम मैट का 50 अलग से लगेगा, तो 50 वो हो गए, ब्लैंकेट के 200 हो गए, 250, और डॉर्मेट्री के 100 350। अगर टेंट चाहिए पर नाइट तो 800, टेंट विद स्लीपिंग बैग 1000, ओन टेंट टू सेटल स्मॉल बैग 200 300, फूड विद मीट 300, सिंपल फूड विद दाल एंड पोटैटो फ्राई 250, ऑमलेट 80, नूडल्स 80, मैगी टी 30, रेड टी 20, किचन अगर यूज़ करना है आपको तो 100, यूटेंसिल्स भी देते हैं आपको, कप स्पून वगैरह फायरवुड। सो आई थिंक बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास टेंट है और कुकिंग इक्विपमेंट्स है तो थोड़ा सा सस्ता हो सकता है आपके लिए। मतलब अभी हम लोग को स्टे और सब पकड़ के ऑलमोस्ट 500 के ऊपर जा रहा है पर नाइट, ब्लैंकेट और वो सब पकड़ के। सो इट्स गोइंग वेल, सिंपल मैनेज मैनेज करना भी मुश्किल होता है यहाँ पे, तो इट्स ओके, चल रहा है, इट्स गुड। सो वो रहा गेस्ट हाउस हमारा, वहाँ से छोटा सा एक हाइकिंग है यहाँ पे, आई थिंक ये हेलीपैड है सुको वैली का। एक्सट्रीम सिचुएशन में आई गेस यूज होता होगा। सनसेट हो रहा है वहाँ पे 22nd Jan 2023, वेरी ब्यूटीफुल। जनवरी 2023 और अभी बज रहे सुबह के 5:30, 2301-2023, बहुत ही यूनिक डेट है। इस डेट में 0, 1, 2 और 3 है और मेरा आज बर्थडे है। और मेरे बर्थडे के दिन मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे एक वॉच टावर में हूँ। पीछे वहाँ पे नीचे वो कॉटेज है जहाँ पे हम लोग रुके थे कल रात को, और मेरे पीछे आप व्यू देखो, व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑन माय बर्थडे। ये मैंने डिसाइड किया था कल ही रात को, अगर कोई आएगा नहीं आएगा आई एम गोइंग टू वॉच दिस, जस्ट लुक एट इट गाइस। देखिए सन राइज हो रहा है एंड लुक एट दिस व्यू गाइस, लुक एट द व्यू, जुको वैली, नागालैंड, इनक्रेडिबल इंडिया 2023, व्हाट अ ब्यूटिफुल आर्ट, पेंटिंग इज गोइंग ऑन, इट्स लाइव, इट्स बाय द गॉड। एंजॉय गाइस, एंजॉय द सनराइज। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था ये, आई गेस सबसे बेस्ट। थोड़ा ही नीचे कॉटेज है, सो वहाँ से यहाँ पे आने के लिए
जस्ट 20 मिनट्स लगेंगे, दैट्स इट, जस्ट 20 मिनट्स. पाँच बजे 5 मिनट में निकला, डार्क था, हेडलाइट लगाई थी और यहाँ पे आके बैठ गए, सोच लाइव मोमेंट्स देखे. सो बने रहिए दोस्तों, आज नीचे भी जाना है थोड़ा वैली की तरफ और नीचे जहाँ पे वाटर स्ट्रीम है वगैरह वगैरह. सो कीप वॉचिंग गाइज, लॉट्स ऑफ लव फॉर एवरीवन फ्रॉम माय बर्थडे. वो रहा वॉच टावर जहाँ पे मैं बैठा था ऊपर, और ये रहा वॉच टावर के नीचे का व्यू. यहाँ से जा रहा हूँ नीचे, वो हेलीपैड था जहाँ पे शाम को थे, वहाँ से जो सनसेट था उसका टाइम लैप्स लिया था मैंने, और यहाँ पे जो सनराइज का टाइम लैप्स है वो उस वॉच टावर से लिया. और वो सामने आप देख रहे हो वो गेस्ट हाउस है, वो एक एरिया है जिनके पास रहने के लिए, और दूसरा वो जो अभी थोड़ा सा दिख रहा है हल्का हल्का झाड़ के नीचे. और ये कॉटेज की तरफ जा रहा है रोड ये वाला, तो सुबह जब आप आओगे सनराइज देखने तो यहाँ पे आ जाओगे ना, तो ये जो वुडन के ब्लॉक्स है ये वाले, इसके आगे ही देखना ये रुक जाता है ऊपर, और ऊपर वॉच टावर पे जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे नेटवर्क भी आता है 4G कनेक्शन के साथ. जियो के लिए तो मुझे मिल रहा था, बाकी नेटवर्क सर्विसेज के बारे में मुझे पता नहीं. वापस जा रहा हूँ अभी कॉटेज की तरफ. तो कॉटेज पे आई जस्ट केम बैक टू कॉटेज. भाई आपका नाम? जिन मणिपुर. और रोहित से तो हम मिल चुके हैं सुबह, उस भैया से भी मिल गए थे जब हम लोग रिसेंटली आए थे, एंड देन एयल एंड शी इज ऑलरेडी देयर. वंडरफुल. तो रात को कुछ ठीक से सो नहीं पाए थे हम लोग. पीछे आप देख रहे हो ना जो कॉटेज वहाँ पे थे वो डॉर्म रूम है, पतला सा एक स्लीपिंग मैट दिया था हमें और एक ब्लैंकेट था. जो स्लीपिंग मैट है वो इतना अच्छा नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वो बहुत बार यूज हो चुका है तो पतला हो गया था. मेरा वाला तो वैसा था, बाकी सबका भी मैंने चेक किया वैसा ही था. और प्लस जो मैट जो जो ब्लैंकेट दिया था वो भी आई गेस इतना अच्छा नहीं था. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप आ रहे हो तो नीचे कोहिमा से अगर आ रहे हो सकता है तो स्लीपिंग बैग और मैट्रेसेस जो स्लीपिंग मैट होता है ना वो लेके आइए, अच्छा रहेगा, रात को नींद अच्छी आएगी. मैं तो ठीक से नहीं सो पाया था, 12 बजे उठा, 2 बजे उठा, और फिर ईयरबड्स भी होंगे ना वो भी लेके आना, क्योंकि स्नोरिंग इतने कर रहे थे ना यार कल रात को लोग. भाई साहब साल 12 बजे उठा, 2 बजे उठा, 4 बजे उठा, फिर 4:20 को भी उठा. फिर मैंने बोला यार थोड़ा कुछ और टाइम सह कर ले संदीप, 5 बजे तुझे सनराइज देखने के लिए जाना है. सुबह उठा, रुका नहीं, सीधा निकल गया. सो कुछ टिप्स है आप लोगों के लिए, आपके लिए अच्छा होगा. स्लीपिंग बैग इज मस्ट, और लोग अपना अपना टेंट्स भी लेके आते हैं नीचे, ये देखिए वहाँ पे टेंट्स लगा रहे, सब कुछ चल रहा है. सो कीप वॉचिंग गाइज, जुको वैली नागालैंड, स्टे ट्यून्ड. यहाँ पे थी हमारी वन ऑफ द मोस्ट फ्रीकिंग नाइट, ठीक से नहीं सो पा रहे थे, एंड देन एवरीवन इज लाइक सेटलिंग अप. रोहित आल्सो हैज सफर्ड अ लॉट. इसलिए स्नोरिंग चल रही है. ओके, लवली. सब लोग चेकआउट कर रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं. मेनी अदर पीपल विल कम. नेक्स्ट प्लान, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस कूल गाय मैन, ही लुक्स सो फैंटास्टिक. आई विल बी गोइंग बैक टू कोहिमा, and then from Kohima I'll come to Manipur next this week. I'm coming to Manipur. Yeah, you're heading to Arunachal. Okay, see the first sunrise in India. Wow,
Lovely. So subscribe to Travel Reporter. Subscribe to Travel Report. Thank you. आप यहाँ पे देख सकते हो यार ना, बहुत सारे लोग जो पास हो चुके हैं वो अपना अपना यू नो दे लीव देयर कमेंट्स फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज एंड एवरीथिंग. लवली मॉर्निंग. तो अभी सुबह के बज रहे 8:15 और हम लोग कॉटेज से निकल के वो जो क्रॉस है बीच में वहां तक जा रहे हैं हाइकिंग करते हुए. Thank you so much, guys. Thank you so much. Yeah, it's wow. Chocolate, so it's okay. Thank you so much. Really? It's a full chocolate for me? Yeah. Yeah, we'll share. Thank you. Welcome. Like celebrating happy birthday at the cross. Wow. Yeah. That is the best happy birthday, I guess. Thank you. वाह. सो ये लोग नहीं भूले, ये लोग यहाँ तक आए मेरे साथ और फिर यहाँ पे मुझे विश किया. सुबह सुबह तो मैं सनराइज के लिए चला गया था, मैं बोला यार चलो कोई विश नहीं करा, इट्स ओके आई सॉ द सनराइज नो प्रॉब्लम, बट दे विश्ड एंड देयर इज अ कैडबरी फॉर मी. तो अभी हम लोग कॉटेज की तरफ वापस बढ़ रहे हैं. टू एंड हाफ आवर लगे, सुबह 8 बजे चालू किया, अभी सुबह के 10:30 बज गए. सो हमारी स्पीड अच्छी है इसलिए 2.5 आवर में कवर किया. अगर आप पहली बार कर रहे हो हाइकिंग, मोस्टली नहीं करते हैं, पहले नहीं किया है, तो आपको 3-3.5 घंटे भी लग सकता है क्रॉस से वापस कॉटेज तक.
सो आपका टाइम उस हिसाब से मैच करके चलना ताकि आपको जब नीचे जाओगे तो ज़्यादा अंधेरा भी ना हो। Ow! Oh, legs are gone. Thank you so much. Ah, just highway पे पहुँच गए थे, जहाँ से टैक्सी पकड़नी। एक भैया मिल गए, ड्रॉप कर रहे हैं हमें टैक्सी स्टैंड तक। तो सुबह 11 बजे हमने चालू किया था वहाँ से गेस्ट हाउस से, और अभी बज रहे हैं 2:30, मतलब 3.5 घंटा लगा हमें नीचे आने के लिए जखामा के रूट से। और विशेमा के रूट से हम लोग ऊपर हाइक करते हुए गए थे। सो लेट्स गो, अभी ओइमा पहुँचना है एंड देन कुछ खाना है पीना है, रेस्ट करना है। व्हाट अ वंडरफुल डे। ओके ओके, राजू भैया ने टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दिया, लेग्स के फटे पड़े एकदम। ₹80 में जकामा से यहाँ पे टाउन पे आ गए हम लोग।